हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिल्कपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य। क्या रहेगा? वाच्य, जो कि 9th और 10th क्लास में कॉमन है। सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। तो वाच्य क्या होता है बच्चों? वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। क्या कहेंगे? वॉइस। जिसको इंग्लिश में आप वॉइस पढ़ते हो ना, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वही हिंदी में क्या होते हैं? वाच्य। क्या कहेंगे वॉइस को? वाच्य। तो वाच्य क्या होता है बच्चों? जब हम कोई भी वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या क्रम की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है या भाव की, तो उसे क्या कहेंगे? वाच्य। क्या कहेंगे? वाच्य। कि हमें पता चले कि कर्ता प्रधान है या क्रम प्रधान है या भाव प्रधान है, तो उसे क्या कहेंगे? वाच्य। तो एक बार वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रम है अथवा भाव, उसे क्या कहेंगे? वाच्य। कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि, जो मैंने बताया ना कि मुख्य विषय जो क्रिया का है वो क्या है, कर्ता है या क्रम है या भाव, उसे क्या कहेंगे? वाच्य। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें हमें ये जो वाक्य है इसमें कैसे पता चल रहा है कि किसकी प्रधानता है? क्रिया जो है किसका अनुसरण करेगी? क्रिया वाक्य में जिस भी चीज़ का अनुसरण करेगी, चाहे वो कर्ता हो या कर्म हो भाव, उसी के अनुसार क्या है पता चलेगा कि वाच्य कौन सा है। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पे क्या है बच्चों? क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो पढ़ता है जो क्रिया है वो किसका अनुसरण कर रही है? राम का। किसका? राम का। राम यहाँ पे क्या है? करता है। क्या है? करता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई पढ़ता है, तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का। तो हमें पता चल रहा ना कर्ता का अनुसरण कर रही है क्रिया, तो ये क्या हो गया? वाच्य। क्या हो गया? वाच्य। कि जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा ना कि हमें पता चले कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? वाच्य। फिर जैसे लड़के द्वारा गीत गाया जाता है, तो गाया जाता है क्रिया है जो, वो किसका अनुसरण कर रही है? लड़के द्वारा। किसके द्वारा? किसका? गीत का। गीत क्या है यहाँ पे? क्रम। क्या है? क्रम। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रम के अनुसार क्रिया आ गई। तो गीत गाया जाता है, क्या गाया जाता है? गीत। क्या गाया जाता है? गीत। क्रम के अनुसार क्रिया आ गई। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि वाच्य क्या होते हैं, जिनसे हमें पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। फिर आता है बच्चों कि वाच्य के भेद कितने हैं। कितने भेद हैं बच्चों? तीन। कौन से कौन से? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कितने भेद होते हैं वाच्य के? तीन। कर्तृवाच्य, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रिया वाला, ऐसे ही कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है बच्चों? कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। किसमें? हम कोई भी वाक्य ले लेते हैं उसमें हमें पता चले कि कर्ता की प्रधानता है और क्रिया जो है, जो क्रिया कोई भी यूज हो रही है, वो किसका अनुसरण करती है? कर्ता का। कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है वाक्य में किसी में, उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती हो या कर्ता, क्रिया का संबंध किसके साथ हो? कर्ता के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। ये इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी कर्तृवाच्य की। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे शेखर खेलता है, शेखर खेलता है, तो इसमें खेलता है हमने बताया ना इसकी परिभाषा की क्रिया की, क्रिया का किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का अनुसरण करती हो, उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। तो शेखर खेलता है, खेलता है ये यहाँ पे क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। किसका अनुसरण करती है क्रिया? शेखर का। शेखर यहाँ पे क्या है बच्चों? कर्ता। क्या है? कर्ता। तो ये क्रिया किसके अनुसार लगी? कर्ता के अनुसार। शेखर क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो क्रिया भी ऐसे ही आएगी ना, देखो पुल्लिंग है। यहाँ पे अगर लड़की होती, जैसे रिया पढ़ती है, रिया लड़की है ना, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया पढ़ती है किसके अनुसार आई? रिया के अनुसार। और लिंग कैसे चेंज हुआ क्रिया का? रिया के अनुसार। रिया क्या है? लड़की है।
तो पढ़ती है, पढ़ता तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, पढ़ती है स्त्रीलिंग आ गया रिया के अनुसार। ऐसे ही शेखर खेलता है, शेखर यहाँ पे पुलिंग है तो क्रिया भी क्या है पुलिंग में आएगी और वचन भी क्रिया का शेखर के अनुसार आएगा। तो जिस वाक्य में क्रिया जो है कर्ता का अनुसरण करे उसे क्या कहेंगे कर्तृवाच्य। जैसे शेखर खेलता है, खेलता क्रिया शेखर का अनुसरण करती है, शेखर के अनुसार लगी है। रिया पढ़ती है तो पढ़ना है क्या यहाँ पे क्रिया है, किसके अनुसार लगी है रिया के अनुसार, रिया क्या है कर्ता है। ऐसे ही राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया किसके अनुसार लग रही है राम के, राम क्या है करता है। पुस्तक, पुस्तक क्या है यहाँ पे क्रम है, पुस्तक के अनुसार तो नहीं लग रही है ना क्रिया कि पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। ये लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ कौन रहा है राम, राम के अनुसार लगी है ना यहाँ पे क्रिया राम पुस्तक पढ़ता है। आप पता चल गया बच्चों सभी को कि शेखर खेलता है, रिया पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बुक्स में, बहुत सारे आप उनको देख लेना। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे कर्तृवाच्य। फिर आता है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य क्या होता है बच्चों, जिस ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया जो है क्रम का अनुसरण करे, किसका क्रम का। कर्तृवाच्य में तो ये था कि जिस वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगे या कर्ता का क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता के साथ हो। लेकिन क्रम में क्या होगा, जिसमें क्रिया का संबंध किससे हो क्रम से, या क्रिया जो होती है वो किसका अनुसरण करेगी क्रम का, क्रम के अनुसार क्रिया लगेगी उसे क्या कहेंगे क्रमवाच्य। जैसे रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें रोहन क्या है कर्ता है। रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, रोहन पढ़ी गई जो ये है क्रिया है ये किसके अनुसार लगी है। रोहन, रोहन तो यहाँ पे लड़का है ना, पढ़ी गई क्या है स्त्रीलिंग में लगी है क्रिया, इसके रोहन के अनुसार तो नहीं लगी है ना। तो जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया लगे, कर्म के अनुसार क्रिया लगे उसे क्या कहेंगे कर्मवाच्य। तो पुस्तक यहाँ पे क्या है क्रम है, क्या है बच्चों क्रम। रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी गई क्रिया है ना, पढ़ी गई क्या पढ़ी गई पुस्तक, क्या पढ़ी गई पुस्तक। तो ये क्रिया किसके अनुसार लगी बच्चों पुस्तक के अनुसार, पुस्तक का यहाँ पे क्या है क्रम। इसमें तो था कि शेखर खेलता है, शेखर यहाँ पे करता था, कर्ता के अनुसार क्रिया लगी खेलता है। पढ़ी गई क्रिया है यहाँ पे किसके अनुसार लगी पुस्तक के अनुसार, पुस्तक क्या है क्रम है। रोहन के द्वारा, रोहन के अनुसार तो नहीं लगी ना। तो जिस वाक्य में जो क्रिया होती है वो किसका अनुसरण करे क्रम का, यानी कि क्रम के अनुसार उसके लिंग वचन और पुरुष क्रिया के हो उसे क्या कहेंगे कर्मवाच्य। ऐसे ही जैसे माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है बच्चों क्रम की। क्रम क्या है पेड़, क्या है पेड़ लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं यहाँ पर क्या है क्रिया है, क्या है क्रिया। तो लगाए जाते हैं क्रिया किसका अनुसरण कर रही है पेड़ का, क्या लगाए जाते हैं पेड़, पेड़ क्या है क्रम, किसका अनुसरण कर रही है क्रिया लगाए जाते हैं पेड़ का। माली का तो नहीं कर रही है ना कि माली लगाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो पेड़ यहाँ पे क्रम है, क्रम के अनुसार क्रिया लगी है। तो आपको पता चल गया ना एग्जाम्पल के थ्रू कि क्रमवाच्य में किसकी प्रधानता होती है क्रम की, जिस वाक्य में क्रिया जो है क्रम के अनुसार लगे उसे क्या कहेंगे क्रमवाच्य। फिर आता है बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है बच्चों भाव की या क्रिया की। इनमें तो था कि कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें क्रम की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो। जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, तो इसमें किसकी प्रधानता है बच्चों खेला नहीं जाता क्रिया की, किसकी क्रिया की। जिसमें क्रिया की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता उसे क्या कहेंगे भाववाच्य। तो खेला नहीं जाता यहाँ पे इसी की प्रधानता है क्रिया की, तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों भाववाच्य। और इसमें एक चीज़ और, इसमें नकार भाववाच्य में क्या होता है बच्चों क्रिया जो होती है एक वचन में पाएगी, यानी कि उसका वचन एक पाएगा, और क्या पाएगा पुल्लिंग पाएगा, यानी कि जो बोलने वाला जो कर्ता होता है वो कुछ भी मतलब जो भाव होता है वो क्या हो पुल्लिंग में हो और एक वचन में हो,
इसमें भाववाच्य में यही पाएगा, एक वचन पुलिंग। और नकारात्मक वाक्य होते इसमें जैसे कमल से नहाया, जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, नहीं पाएगा भाववाच्यों में नहीं इसकी पहचान है। एक से पाएगा इसमें, जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, उनसे भागा नहीं जाता, उनसे गाया नहीं जाता, ठीक है, तो से आ जाएगा। और नहीं वाले वाक्य भी भाववाच्य में आएंगे, जैसे कमल से नहाया गया, तो कमल क्या है इसमें, पुल्लिंग है ना, कमल क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, मैंने बताया था ना, पुल्लिंग पाएगा और एक वचन पाएगा, और से भी इसमें लगते हैं, जैसे कमल से नहाया गया या कमल से नहीं नहाया गया, तो नहाया गया इसमें प्रधानता किसकी है, नहाया गया की, नहाया गया क्या है, क्रिया है, तो इसमें बताया था ना मैंने भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी, क्रिया की या भाव की। क्या उनसे पढ़ा जाएगा, तो इसमें किसकी प्रधानता है, पढ़ा जाएगा, और ऐसे आ गया है ना उनसे, तो इसमें से लग गया, तो ये इसके वाक्य होते हैं। बच्चों हम जो ये टॉपिक करवाया है वाच्य का, इसको एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट करते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से आसान से समझते हैं। तो वाच्य का ये डायग्राम बनाया है बच्चों मैंने, तो इसमें बताया था ना कितने प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में बच्चों किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, और क्रिया इसमें कौन सी मिलेगी, चाहे तो कर्मक अकर्मक, यानी कि अकर्मक मीन्स जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक मीन्स जिसमें कर्म हो, ठीक है, क्रिया में मतलब जो वाक्य प्रयोग हो उस होगा उसमें चाहे तो कर्म हो या ना हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो कर्तृवाच्य का एक वाक्य है, तो इसमें पुस्तक क्या है, कर्म वाली क्रिया है ना, पढ़ता है क्रिया है, पुस्तक इसमें कर्म आया हुआ है ना, तो कर्तृवाच्य में कौन से वाक्य मिलेंगे बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक यानी कि कर्म वाले, पुस्तक पढ़ता है। और ऐसे भी आ सकता है कि राम पढ़ता है, मतलब जिसमें कर्म ना हो, पुस्तक यहाँ से हटा देंगे तो अकर्मक बन जाएगा, राम पुस्तक, राम पढ़ता है। तो कर्तृवाच्य में कौन से वाक्य होते हैं बच्चों, जिसमें सकर्मक हो क्रिया और अकर्मक हो, तो राम पुस्तक पढ़ता है और राम पढ़ता है, ऐसे भी हो जाएगा। और कर्मवाच्य में बच्चों किसकी प्रधानता होती है, सकर्मक की, यानी कि जो वाक्य होगा, जो वाक्य हम कोई भी प्रयोग करेंगे उसमें किसकी प्रधानता होनी चाहिए, उसमें कर्म जो है जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्म जरूर होना चाहिए, अकर्मक की तो होएगी नहीं इसमें, क्योंकि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, तभी क्या है कर्मवाच्य के वाक्य बनेंगे। और भाववाच्य में किस क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता नहीं होती बल्कि अकर्मक क्रिया होती है। और क्या होता है बच्चों इसमें भाववाच्य में, याद करने का, ये नकारात्मक वाक्य मिलेंगे, जैसे उससे गाया नहीं जाता है, मुझसे बोला नहीं जाता है, ऐसे वाक्य बन जाएंगे भाववाच्य में नकारात्मक वाक्य। और इसमें क्या मिलेगा बच्चों, पुल्लिंग, मैंने बताया था ना, पुल्लिंग होगी क्रिया और एक वचन में होगी और अन्य पुरुष होगा, ठीक है, जैसे इसका प्रयोग करेंगे हम कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, तीन प्रयोग होते हैं वाच्य में। कर्तृ प्रयोग बताया था ना मैंने, कैसे होगा जी, जो क्रिया होगी वो के उसका क्या होगा, लिंग जो है कर्ता के अनुसार हो, और वचन जो है वो भी कर्ता के अनुसार हो, और पुरुष जो है वो भी कर्ता के अनुसार हो, ये तीनों चीज़ें कर्ता के अनुसार होगी तो वो कौन सा प्रयोग होगा बच्चों, कर्तृ प्रयोग वाच्य का। फिर कर्मणि में क्या होगा, जो लिंग है, जो वचन है, जो पुरुष है, वो किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार। और भावे में क्या है, जो लिंग वचन और पुरुष है, इसमें पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष आएगा, वो किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार। तो ये प्रयोग क्या बनेंगे, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, ये तीन प्रयोग बन जाएंगे, इनमें लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। फिर आता है बच्चों वाच्य परिवर्तन क्या होता है, वाच्य परिवर्तन यानी कि एक कर्म जैसे करता है, कर्ता को कर्मवाच्य में पलटना या भाववाच्य में, उसे क्या कहेंगे, वाच्य परिवर्तन। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है ये कौन सा प्रयोग है बच्चों, कौन सा वाक्य है बच्चों, ये कर्ता कर्तृवाच्य है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम की यहाँ पे प्रधानता है, पढ़ता है यहाँ पे क्या है, क्रिया है, क्रिया किसका अनुसरण कर रही है बच्चों, राम का। तो इसको राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में पलटेंगे तो कैसे बनेगा, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है जो क्रिया है बच्चों,
वो किसका अनुसरण करेगी? पुस्तक का। पुस्तक यहाँ पे क्या है बच्चों? क्रम है। ऐसे ही इसको बना देंगे, भावाचम पलटेंगे तो क्या बनेगा? आराम से पढ़ा जाता है। बोला था ना मैंने कि इसमें नकारात्मक वाक्य पाएंगे भावाचम में, और क्या से का भी प्रयोग होता है इसमें, जैसे राम से गाया जाता है, गीत गाया जाता है, ऐसे ये भावाचक गीत गाया जाता है। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उनको करके देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।